विगत 6 माह से नवीन व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को मानदेय नहीं मिला है। इससे नाराज सभी शिक्षक बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंप कर शीघ्र मानदेय दिए जाने की मांग की। ज्ञापन में प्रशिक्षकों ने बताया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भोपाल मध्य प्रदेश से संचालित व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जिले में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को विगत 5 से 6 माह का वेतन भुगतान VTP द्वारा नहीं किया गया है। विद्यांता स्किल इंस्टीट्यूट VLCC हेल्थ केयर गुरुग्राम के VTP द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जिससे हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो पा रहा है। हमें विद्यालय आवागमन हेतु हमारे पास राशि उपलब्ध नहीं है, जिससे कि मानसिक व आर्थिक रूप से तनाव में है, जिससे हमें अपनी सेवाएं देने में असमर्थ हो रहे हैं। वेतन के संबंध में कई बार ईमेल, पत्र व दूरभाषा के माध्यम से सूचित भी किया गया, किंतु VTP समन्वयक व संबंधित अधिकारियों के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने हेतु मजबूर होना पड़ेगा। अवकाश के दौरान हम विद्यालय एवं कंपनी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित किसी भी कार्य को संपन्न करने में असमर्थ रहेंगे। इसकी संपूर्ण जवाबदारी कंपनी की होगी। सर, हम भी व्यावसायिक शिक्षा में ही आते हैं, जैसे हेल्थ केयर है, ब्यूटी एंड वेलनेस हमारा ट्रेड है, इसमें भी 6-7 महीने हो गए हैं, 5 से 6 महीने हो गए हैं किसी कंपनी में, तो हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है। आर्थिक समस्याओं का भी बहुत सामना करना पड़ा। सर ने आश्वासन तो दिया है, DO सर है, उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है हम आपकी समस्याओं को आगे तक पहुँचाएंगे और जल्द से जल्द समाधान करेंगे। यदि आपकी सही अब अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो करना ही पड़ेगा सर, आंदोलन वगैरह, अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम कुछ और करें। आगे पहुँचाएंगे और हम सब कोई समस्या का समाधान करने की।